हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, मैं आपके इस खूबसूरत से चैनल पर अलीशा आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी फैमिली का, अपना और अपनी पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, लाइफ प्रोसेस के बारे में स्टार्ट किया था, लाइफ प्रोसेस के बारे में देखा था। लाइफ प्रोसेस में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हमने स्टडी कर ली थी और आज की हमारी टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, अमीबा है क्या, इसके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, कैसे ये फूड को लेता है, डाइजेशन कैसे करता है, ये सारी बातें देखेंगे। और चलिए आज की वीडियो में देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन, अमीबा इसके बारे में बताएं तो सबसे पहले जो हम छोटे से जानते हैं, बहुत हमेशा से इसके बारे में पढ़ते आते हैं कि अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। पहला पॉइंट होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मतलब होता है एक, सेलुलर माने सेल, जिसके अंदर ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक सेल होता है। ओनली वन सेल प्रेजेंट इन अमीबा। अमीबा के अंदर केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होती है, एक सेल होती है। दूसरा ये क्या होती है, यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर तो हमें समझ में आ गया, यूनि मतलब एक, सेलुलर माने सेल, ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा जीव जिसके अंदर केवल एक सेल होता है। लेकिन यूकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक क्या होता है? तो यूकैरियोटिक का मतलब होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट, जिसके अंदर कंप्लीटली, पूर्णतया कंप्लीटली वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं, उसे यूकैरियोटिक कहा जाता है। जिसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं, न्यूक्लियस अब्सेंट होते हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। तो यूकैरियोटिक मीन्स well defined, it means that well defined nucleus present, इसके अंदर well defined nucleus present होता है, nucleus present होते हैं, इसलिए इन्हें यूकैरियोटिक कहा जाता है। थर्ड इनकी क्वालिटी की बात करते हैं, फर्स्ट तो यूनिसेलुलर हो गया, सेकेंड यूकैरियोटिक हो गया, थर्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो अमीबा इज अ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। ये एक्वाटिक होता है, जलीय होता है, जल में पाया जाता है, गंदे वाटर में, फ्रेश वाटर में, इन सब वाटर में, पॉन्ड में, रिवर में, झीलों में, लेक, मतलब इन सब जगहों पर जहाँ पानी होगा, एक्वाटिक होगा, एक्वाटिक इन्वायरमेंट होगा, पानी होगा, जल होगा, वहाँ पर अमीबा प्रेजेंट होते हैं। तो थर्ड इनकी क्वालिटी होती है, अमीबा इज एक्वाटिक एनिमल, एन एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक एनिमल। अमीबा एक्वाटिक एनिमल्स है और इसके अंदर होलोजॉइक प्रोसेस होती है। होलोजॉइक मीन्स जैसे हमारे अंदर होती है। पिछली वीडियो में हमने हेटरोट्रॉफ्स जब पढ़ा था तो हमने बताया था एनिमल्स, काऊ, बफेलो, ये सारे क्या करते हैं, अमीबा, इन सब के अंदर होलोजॉइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजॉइक मतलब ओमनिवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, इस तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एजिमिलेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, इजेशन होता है, ये पांच प्रोसेस होती है। तो वही सेम प्रोसेस, सेम क्रिया अमीबा भी करता है। बच्चे ने सवाल किया, मैम अमीबा यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिका होती है इसके अंदर, तो क्या ये जल में होता है, न्यूट्रिशन करता है, खाता पीता है, खाते रहते हैं, तो क्या इनके अंदर कभी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होते, कभी भी बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म नहीं होते, बहुत सारे ऑर्गेनल्स नहीं बनते इनके अंदर, ये ऑल टाइम यूनिसेलुलर ही होता है। जब इसमें, ध्यान से समझिए, जब इसके अंदर न्यूट्रिशन हो रहा है, न्यूट्रिशन मतलब ये खा पी रहे हैं, पानी के अंदर रह रहे हैं, अपने फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं, सेम एनिमल्स की तरह सारे प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे एनिमल्स करता सेम वैसे कर रहे हैं। एनिमल्स की बॉडी, तो पहले बेबी बॉर्न होता है जब बच्चे का, तो एनिमल्स की बॉडी में सेल क्या होते हैं, कम, जैसे जैसे बेबी बढ़ता जाता है, बच्चा बढ़ता जाता है, सेल उसके अंदर क्या होती है, डिफाइंड होती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। लेकिन अमीबा जब वही सेम काम कर रहा, तो अमीबा की बॉडी में ऑल टाइम यूनिसेलुलर ही क्यों रहते हैं ऑर्गेनिज्म,
वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ही क्यों माना जाता है, क्यों ऑल टाइम एक कोशिका ही उसके पास होती है, मल्टी सेलुलर वो नहीं बन पाता। तो ये आज हम देखते हैं, बच्चे ने सवाल किया और उसके बाद हम इसका आंसर देते हैं कि क्यों उसकी बॉडी में मल्टी सेलुलर वो उसकी बॉडी मल्टी सेलुलर में चेंज नहीं हो पाती, मल्टी सेलुलर में वो बदल नहीं पाती। इस टॉपिक को जानने के लिए हमारे एक और टॉपिक क्लियर होता है, रिप्रोडक्शन इन अमीबा। बहुत आसानी से हम यहाँ पे एक और टॉपिक अपनी क्लियर कर लेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा के साथ साथ रिप्रोडक्शन इन अमीबा, कि अमीबा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो ऑल टाइम यूनिसेलुलर में ही कैसे रहता है। तो चलिए देखते हैं, क्या देखा हमने, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ओनली वन सेल प्रेजेंट, यूकैरियोटिक होता है, इसका मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस पूर्णतया कंप्लीट होते हैं। अमीबा एक्वेटिक एनिमल होता है, जल में रहने वाला प्राणी होता है, और ये क्या होता है फोर्थ नंबर, अमीबा इज अ होलोजोई, अमीबा इज अ होलोजोई, अमीबा होलोजोई के एनिमल्स हैं। तो यहाँ पे एनी यूनिसेल्युलर को देखते हैं, और जैसा कि हमने टॉपिक बताया कि किस टॉपिक, एक और टॉपिक हमारी क्लियर होती है रिप्रोडक्शन इन अमीबा, और उसके साथ साथ जिससे लिंक है, जिससे जुड़ी हुई कड़ी हमारी है कि यूनिसेल्युलर ही क्यों है अमीबा, मल्टी सेलुलर में क्यों नहीं चेंज हो रही है। तो यहां से डालते हैं रिप्रोडक्शन इन अमीबा, रिप्रोडक्शन इन अमीबा। अमीबा हैज नो फिक्स्ड शेप, अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता, कोई निश्चित आकार नहीं होता, कोई फिक्स शेप नहीं होता, और अमीबा हैज नो फिक्स्ड माउथ, इनके पास फिक्स माउथ भी नहीं होता कि ये फूड को टेक कर ले, इंजेशन प्रोसेस कर ले, भोजन को ले ले, ऐसा भी मतलब इनके पास माउथ होता ही नहीं है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म क्या है देखते हैं। तो रिप्रोडक्शन इन अमीबा, अमीबा को कोई फिक्स शेप नहीं है, जैसा कि बुकों में मिलता है, बनाते हैं अमीबा, अमीबा ये पार्ट इसका होता है सीडोपोडिया। अमीबा के अंदर न्यूक्लियस, जैसा कि अभी बताया, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और इसमें क्या होते हैं साइटोप्लाज्म होते हैं। यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या था कि ये यूनिसेलुलर ही क्यों हैं, मल्टी सेलुलर में चेंज नहीं हो रहे हैं, तब इसके लिए ये स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। इस स्ट्रक्चर में केवल दो चीज़ों की बात करते हैं, फर्स्ट है न्यूक्लियस एंड सेकेंड है साइटोप्लाज्म। अभी स्यूडोपोडिया की बात हम बाद में करते हैं, स्यूडोपोडिया की बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा में, जिसका मेन रोल है वहाँ पे। तो पहले यहाँ पे दो है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। उसके बाद इसमें देखिए, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर भी न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस, यहाँ पे दो ही चीज़ की बात करेंगे, पहला है न्यूक्लियस, दूसरा है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस इसका फिक्स शेप नहीं है, अमीबा का फिक्स शेप नहीं है, न्यूक्लियस हमने बना दिया। सेकेंड पार्ट में क्या होता है, जब अमीबा वाटर में होता है, थोड़ा बहुत खाता पीता है, और खाने पीने के बाद जैसे ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला होता है, तो इसके जो न्यूक्लियस पोर्शन होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, टूटने लगता है, ब्रेक डाउन होने लगता है, डिवाइड होने लगता है। तो यहाँ से देखिए, नोटिस कीजिए कि यहाँ पर न्यूक्लियस कैसे है, राउंड शेप, न्यूक्लियस यहाँ पे कैसे हुआ, थोड़ा सा ब्रेक डाउन होने वाला है, इसके न्यूक्लियस पोर्शन ब्रेक डाउन होने वाले हैं। अगले स्ट्रक्चर में देखते हैं, तो ये कैसा शेप ले लेता है, यहाँ पे इसके न्यूक्लियस क्या हुए, ब्रेक डाउन हो चुके हैं, इसमें न्यूक्लियस राउंड शेप था, यहाँ न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होने वाला था, और अगले में नेक्स्ट स्ट्रक्चर में थोड़ी देर बाद क्या होता है, कुछ समय बाद ये न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, प्रॉपरली टूट जाता है, और टूटने के बाद अगले स्ट्रक्चर में जब इसका साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म पोर्शन भी क्या होता है, ये भी ब्रेक डाउन हो जाता है, यहाँ से ऐसे ये क्या करता है, टूट जाता है। जैसा कि पहले भी पढ़ चुके हैं कि अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं है, आप जैसे भी बना दो, फोर कॉर्नर, फाइव कॉर्नर, सिक्स कॉर्नर, ऐसा बना दे, अमीबा हो गया मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या दिखाया, यहाँ राउंड शेप था, बल्ली वन न्यूक्लियस प्रेजेंट था, न्यूक्लियस डिवाइड होने वाला था, न्यूक्लियस टूटने वाला था, और नेक्स्ट में क्या हुआ, न्यूक्लियस टूट गया। पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइडेड, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और उसके बाद क्या डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। ये चीज़ नोटिस करने वाली है, ध्यान में रखने वाली है, कि न्यूक्लियस पहले डिवाइड हुआ, यहाँ से न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, तो वन अमीबा और टू अमीबा, यानी एक अमीबा की बॉडी से टू अमीबा क्या हुए,
जनरेट हो गए, दो अमीबा का वार्म हो गया, और यहाँ पे ये अमीबा जो यूनिसेलुलर था, खाया पिया तो बेचारा खाने पीने के बाद जैसे ही थोड़ा सा मोटा होने वाला था, थोड़ा बड़ा होने वाला था, वैसे इसकी बॉडी क्या हुई, फिर टूट गई, फिर ये किस में आ गया, फिर यूनिसेलुलर में आ गया। इसी प्रकार से अब इनके अंदर भी होगा सेम, ये भी खाए पिएंगे, न्यूट्रिशन करेंगे, न्यूट्रिशन करने के बाद जैसे थोड़े से हेल्थी होने वाले होंगे, एक सेल से दो सेल बनने वाली होगी, वैसे इनकी बॉडी फिर ब्रेक डाउन हो जाएगी और फिर वन अमीबा टू अमीबा में डिवाइड हो जाएंगे। इस तरह से इनका रिप्रोडक्शन भी होता है, इनकी जनरेशन भी आगे बढ़ती है और ये यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन नहीं पाते हैं। तो ये था रिप्रोडक्शन इन अमीबा, या क्वेश्चन ले सकते हैं कि अमीबा यूनिसेलुलर ही क्यों है। और आगे हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में। पहले आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन लीजिए और शॉर्ट स्क्रीन के बाद हम अगली टॉपिक पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा। आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा, आइए हम आगे चलते हैं। यहां से अमीबा पॉइंट में राइट कर लेते हैं या ऐसे ही, अमीबा हैज नो फिक्स माउथ फॉर इंजेशन। अमीबा के पास इंजेशन के लिए फिक्स माउथ नहीं होता। किस चीज से ये अपने फूड को लेता है, कैसे इंजेशन करता है, इंजेशन मीन्स व्हेन वी टेक फूड इनटू माउथ, जब हम फूड को मुंह में लेते हैं, खाने को लेते हैं खाने के लिए, तो डेट प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन, वो प्रोसेस इंजेशन कहलाती है, इंजेशन होती है। तो अमीबा में इंजेशन के लिए, खाने को खाने के लिए लेने के लिए फिक्स शेप नहीं होता, फिक्स माउथ नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज टर्म्ड एज फाइटोसाइट्स। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज टर्म्ड एज फाइटोसाइट्स। फूड के ऑब्टेन करने की जो टर्म होती है, ये प्रोसेस होती है, वो अमीबा के अंदर क्या कहलाती है, फाइटोसाइट्स होती है। अब इसके बाद देखते हैं अमीबा में प्रोसेस कितनी होती है, कैसे होता है, होलीजोइक तो होता है जैसे एनिमल्स में होता है वैसे तो होता है, लेकिन क्या क्या होते हैं, तो यहां से देखते हैं। फर्स्ट इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन, फिफ्थ इजेशन। ये पांच प्रोसेस होती हैं, जैसा कि सेम एनिमल्स में भी यही होता है, होलोजोइक अमीबा भी है, होलोजोइक हम भी है, इंजेशन होता है। इंजेशन अभी पीछे भी बताया कि इंजेशन है क्या, व्हेन वी टेक फूड, जब हम भोजन को लेते हैं इस कॉल्ड इंजेशन, तब वो इंजेशन कहलाता है। तो यहां से लिखते हैं, एक ही कड़ी जोड़ते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को लेना इंजेशन होता है। डाइजेशन क्या है, डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है, जैसे हम सॉलिड फूड ले लेते हैं, जैसा कि पिछली वीडियो में भी बताया, जब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स बता रहे थे तब भी वहां बताया गया था कि डाइजेशन है क्या। तो डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम की सहायता से, पाचक एंजाइम की सहायता से, गलाने वाले जो सिंपल में तोड़ देते हैं, उस एंजाइम की हेल्प से कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में बदलना ही डाइजेशन कहलाता है। तो सेम अमीबा करता है, राइट करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम की सहायता से ये टूट जाते हैं। तो अभी हम स्ट्रक्चर बना के देख रहे हैं कि इनकी बॉडी में कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। एनिमल्स बॉडी में तो बहुत सारे होते हैं, पेप्सिन, टाइलिन, एमाइलेज, और गल ब्लेडर में जो होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनकी बॉडी में कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम आ जाते हैं, इसको हम स्ट्रक्चर की हेल्प से हम आगे देखते हैं। पहले हम इसको लिखते हैं, राइट करते हैं। एब्जॉर्प्शन, एक बार फिर से देखते हैं डिफिनेशन, कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड। कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट हुआ, किसके जरिए, किसकी हेल्प से हुआ, विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम इनकी बॉडी में क्या है, स्ट्रक्चर की हेल्प से आगे देखेंगे। द प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन, और ये प्रोसेस जो होती है डाइजेशन के नाम से जानी जाती है। आगे है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना, किसी चीज़ को सोखना। खाना तो अमीबा ने खा लिया, खाना इसने ले लिया, अंदर गया बॉडी में, डाइजेशन हो गया,
खाना गल गया। अब गलने के बाद वो खाना, जैसे हम लोगों में अगर देखा जाए, एनिमल्स में देखा जाए, काउ में, बफेलो में, एनिमल्स में जो और होते हैं उनके अंदर देखा जाए, तो उनमें होता क्या है कि ब्लड होते हैं, ब्लड प्रेजेंट होता है। ये डाइजेस्टिव जो फूड होते हैं, डाइजेशन वाले फूड होते हैं, जो गलने के बाद जो फूड बचते हैं, सिंपल फूड, ये ब्लड में सर्कुलेट हो जाते हैं, ब्लड में इनकी एनर्जी चली जाती है और ब्लड से एक एक सेल में चली जाती है, एवरी सेल में प्रेजेंट हो जाती है। लेकिन अमीबा में ऐसा होता ही नहीं है। तो अमीबा में क्या होता है, इनकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए फूड बैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। फूड खाना, बैक्यूल जहाँ पे रहता है, खाना जिस प्लेस पर रहता है उसे कहा जाता है फूड बैक्यूल। तो इनमें एब्जॉर्प्शन के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, फूड बैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। और फूड बैक्यूल प्रेजेंट होते हैं तो इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, इरेज करके यहाँ नीचे लिख रहे हैं, एब्जॉर्प्शन द डाइजेस्टेड फूड। यहाँ पे क्या हुआ, डाइजेशन तो हो गया, डाइजेस्टेड फूड जो होते हैं प्रेजेंट इनटू फूड बैक्यूल। अभी भी पीछे बताया, फूड मतलब खाने का, बैक्यूल माने जहाँ रहता है, खाने के रहने वाला स्थान। जैसे हमारी बॉडी में पैनक्रियाज होते हैं, ऑर्गन्स बहुत सारे होते हैं, पैनक्रियाज हो गया, इंटेस्टाइन हो गए, बट इनकी बॉडी में, अमीबा की बॉडी में ऑर्गन्स नहीं होते, ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होते। तो इनके बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, फूड बैक्यूल होता है। और फूड बैक्यूल डिफ्यूजेस इनटू साइटोप्लाज्म। ये फूड बैक्यूल में जब फूड आता है तो ये फूड आने के बाद, डाइजेशन होने के बाद, ये कहाँ चला जाता है, साइटोप्लाज्म। अभी पीछे की फिगर में देखा था, साइटोप्लाज्म क्या था, सराउंडेड पार्ट ऑफ अमीबा। अमीबा का जो राउंड राउंड का पार्ट था स्यूडोपोडिया के अंदर वाला, वो क्या था, न्यूक्लियस के आउटसाइड का, स्यूडोपोडिया के अंदर वाला पार्ट क्या था, साइटोप्लाज्म था। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, ये डाइजेस्टेड फूड, खाने जो होते हैं, फूड बैक्यूल से कहाँ चले जाते हैं, साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। और साइटोप्लाज्म में जाने के बाद दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, एब्जॉर्प्शन होती है। हमारे पास दो बस्ते हैं, एजिमिलेशन एंड इंजेशन। तो पहले इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए फटाक से, उसके बाद आगे बात करते हैं। वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हमने लिख दिया, वीडियो बहुत लंबा हो रहा था और आप बोर फील करने लगते कि इतना बड़ा लेक्चर, इतना देर देखेंगे अमीबा के, ज़रा मतलब अमीबा के बारे में छोटी सी चीज़ पढ़ने के लिए इतना बड़ा वीडियो, तो इसलिए मैंने डिफिनेशन यहाँ लिख दिया है। देखिए दो बचे हुए थे, फोर्थ एंड फिफ्थ, एजिमिलेशन, अमीबा टेक एनर्जी। अमीबा में क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, फूड को टेक किया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, उसकी बॉडी में डाइजेशन हुआ। डाइजेशन होने के बाद तीसरा पॉइंट क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हुआ, फूड जो था, फूड बैक्यूल से कहाँ चला गया, ब्लड में नहीं गया भाई, ब्लड नहीं होता, साइटोप्लाज्म में चला गया। और साइटोप्लाज्म में जाने के बाद अब वहाँ से क्या होता है, अमीबा टेक एनर्जी, जो एनर्जी गई थी साइटोप्लाज्म में फ्रॉम फूड, किससे, फूड से, एंड सर्कुलेट इट्स एनर्जी इंटू इट्स होल बॉडी। वो अमीबा के पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है, पूरी एनर्जी पूरी बॉडी में चली जाती है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एजिमिलेशन। और यही फेनोमेना क्या होती है, एजिमिलेशन कहलाती है। लास्ट सब तो हो गया, खाना उसने खाया, डाइजेशन किया, डाइजेशन के बाद जो एनर्जी बनी थी उसकी बॉडी में, पूरी शरीर में फैल गई एनर्जी। एक एक सेल नहीं बोल सकते क्योंकि एक ही तो सेल होती है, बात तो सही है। तो एक मतलब उसकी पूरी बॉडी में, पूरी साइटोप्लाज्म में वो क्या हुई, फैल गई, पूरी बॉडी में फैल गई। अब फैलने के बाद क्या हुआ, एनर्जी तो पूरी बॉडी में आ गई, जो बेस्ट प्रोडक्ट बचे, अपशिष्ट पदार्थ जो बचे, जो अनडाइजेस्टेड फूड बचे उनके, मतलब अरे कहना क्या चाहते हो, मतलब जो अवशेष बचे, जो बेस्ट प्रोडक्ट बचे वो क्या होंगे, तो वो क्या होंगे वहां पे नेक्स्ट में देखते हैं, एजेशन। एजेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। यानी अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, बॉडी से रिमूव हो जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से रिमूव हो जाता है, आउट ऑफ बॉडी हो जाता है, बेस्ट प्रोडक्ट के रूप में हम इसको बॉडी से आउट कर देते हैं। और आउट कर देने की प्रोसेस ही क्या होती है, इजेशन। यानी हमने आज क्या क्या सीखा, न्यूट्रिशन में क्या सीखा अमीबा के, अमीबा सबसे पहले क्या था, यूनिसेल्यूलर। दूसरा पॉइंट क्या सीखा, यूकैरियोटिक। तीसरा पॉइंट क्या सीखा, एक्वाटिक, एक्वाटिक होता है। और क्या सीखा, होलोजोइक होता है। और क्या सीखा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं। तो न्यूक्लियस के बाद हमने इसको देखा था क्या क्या होता है इनकी बॉडी में, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजिमिलेशन, इजेशन, पाँचों प्रोसेस को इनको देख लिया। एक और टॉपिक छूट गई,
रिप्रोडक्शन इन अमीबा। हमने अमीबा का रिप्रोडक्शन भी देख लिया, जिसमें यह भी पढ़ लिया कि अमीबा ऑल टाइम यूनिसेलुलर ही क्यों होता है, मल्टीसेलुलर क्यों नहीं होता, तो ये भी आप जान चुके हैं। अब एक छोटी सी बात, यहाँ पे हमने बता तो दिया बेटा, सब कुछ बता दिया बट आपको दिखाया नहीं। और आप अच्छे से वीडियो को मन लगा के देखिए, आगे इसको कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अभी हमारे पास तो यही बोर्ड है, आगे जब हम बोर्ड ले लेंगे तो आपको 3D स्ट्रक्चर में, अच्छे से स्ट्रक्चर में, पूरा स्मार्ट बोर्ड पे अच्छे से स्ट्रक्चर दिखा दिखा के हम पढ़ा पाएंगे। अभी तो जो है उसी पे काम चलाना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इसके लिए हमने ये प्रोसेस पढ़ तो ली बट देखना भी तो जरूरी है कि हुआ क्या है मैम। और स्क्रीन पर भी आपको ये आ जाएगा, तो स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये भी आप आसानी से देख लेंगे कि इसके अंदर हुआ क्या है। बट मैं बना के थोड़ा सा बस 2-3 मिनट का और वीडियो शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए देखिए यहाँ से कैसे होता है इनकी बॉडी में प्रोसेस। तो प्रोसेस में क्या करेंगे, अमीबा नोफिक सेप, ये पार्ट क्या होगा इसका, स्यूडोपोडिया। अभी पीछे भी बताया था जब रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो वहां केवल दो लोगों का काम था, न्यूक्लियस का एंड साइटोप्लाज्म का। न्यूक्लियस पहले डिवाइड हुआ था, साइटोप्लाज्म बाद में डिवाइड हुआ था, लेकिन यहाँ पे काम नहीं चलेगा। मगर क्यों, यहाँ पे क्या होगा, हमें देखना पड़ेगा स्यूडोपोडिया क्या है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। स्यूडोपोडिया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, अमीबा ऐसे बना है, अमीबा का ये पार्ट, ये क्या है, स्यूडोपोडिया। अमीबा ऐसे तैर रहा है, पानी में तैर रहा है, वाटर में है, अमीबा तैर रहा है। जब इसकी इस तरफ डेड एंड डिकेइंग मटेरियल आते हैं, सड़े गले अपशिष्ट पदार्थ आते हैं, तो ये अपनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे इसको, जैसे ये ऐसे इसको क्या करता है, कैच कर लेता है। कौन, स्यूडोपोडिया। माउथ तो होता नहीं फिक्स, बट बात कर सकते हैं कि स्यूडोपोडिया क्या करती है, इसको डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है, ले लेती है, कैच कर लेती है। तो अगले स्ट्रक्चर में देखिए यहां पे क्या हुआ, अमीबा यहां पे देखिए इसको कैच कर रहा है, ये डेड एंड डिकेइंग मटेरियल है, फूड है इसका, खाना, जो अपने स्यूडोपोडिया में कैच किया। और जब स्यूडोपोडिया कैच करने वाला है तो पहले तो ये स्यूडोपोडिया ऐसे थे नॉर्मल, लेकिन जब ऐसे होता है तो ये ऐसे थोड़ा सा इसके अंदर आने के बाद ये बंद होने लगता है, इसका जो पॉइंट्स होता है पहले ऐसे ओपन होता है, धीरे धीरे जब वो आ जाता है तो लाइक कप शेप बना लेता है, एक कप शेप बना लेता है। और इसके अंदर जो होते हैं मटेरियल, डेड ऑन डिकेइंग मटेरियल जो होते हैं वो फंस जाते हैं। और उसके बाद इसकी बॉडी में न्यूक्लियस तो होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है। एक और चीज़, जब हमने पीछे भी बात कर ली थी कि डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, क्या बोला तूने, एंजाइम बोले तो लाइजोजोम। लाइजोजोम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स इन अमीबा, इसको भूलना नहीं है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ज्यादा वर्कशिप होते हैं, बहुत ही ज्यादा काम करने वाले होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा काम करते हैं किसकी बॉडी में, अमीबा की बॉडी में। कौन, लाइजोजोम। और लाइजोजोम है क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसको पीछे बात किए थे कि डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, बट उस डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम क्या है, लाइसोसोम। तो इनकी बॉडी में क्या पाया जाता है, लाइसोसोम पाए जाते हैं। लाइसोसोम क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है, 9th क्लास में ये सेल के चैप्टर में मिलता है, जिसको सुसाइडल बैग्स कहा जाता है, आत्मघाती थैला, अपने आप को ही बेचारा मार देता है। तो ये क्या किया, स्यूडोपोडिया में ये कैच हो गया, अंदर गया। नेक्स्ट में क्या होगा देखते जाते हैं, होता क्या इसके साथ, ये कप शेप से अंदर ले लेगा, और ये जो डेड और डिकेइंग मटेरियल है ये कहाँ चला जाएगा, अंदर बॉडी में। और बॉडी में ये कहाँ गया, इस प्लेस का जो ये कवर्ड प्लेस में बना रही हूँ, इसका नाम होता है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल पीछे भी बताया, ये फूड वैक्यूल में चला गया, कौन चला गया, डेड और डिकेइंग मटेरियल जो अमीबा का फूड था, ये फूड वैक्यूल में चला गया। अब फूड वैक्यूल क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट करेगा, लाइसोसोम एंजाइम भी है जो इसका डाइजेशन का काम करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये इसको डाइजेस्ट करेगा। और डाइजेस्ट करने के बाद इस डेड मटेरियल को पूरी बॉडी में, इसकी पूरी बॉडी में, और पूरी बॉडी में ब्लड नहीं है, कोई और ऑर्गन्स नहीं है, हार्ट किडनी लंग्स नहीं है इसकी बॉडी में, बल्कि क्या है, साइटोप्लाज्म। तो ये एनर्जी क्या होती है, इसकी एनर्जी कहाँ भेज देता है, ये साइटोप्लाज्म में भेज देता है, यानी अमीबा। और ये अमीबा का क्या है,
साइटोप्लाज्म। तो अमीबा के साइटोप्लाज्म में एनर्जी क्या होती है, चली जाती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बचते हैं वो क्या होते हैं, इजेशन प्रोसेस के बाहर, इजेशन प्रोसेस के दौरान ये क्या होते हैं, आउट ऑफ बॉडी हो जाते हैं। मतलब क्या देखा हमने, सीडोपोडिया डेड और डिकेइंग मटेरियल आया, फटाक से अमीबा ने कैश किया। सीडोपोडिया में फिंगर लाइक ऐसे था, कप शेप बनाता है, कप शेप बनाने के बाद अंदर कैश कर लिया, ये गया डेड मटेरियल गया कहाँ पे, फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल में कौन था, लाइसोसोम था। लाइसोसोम क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, पूरा गला देगा, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट कर देगा, और कन्वर्ट करने के बाद उसकी बनी हुई एनर्जी को साइटोप्लाज्म में पहुंचा देगा। जो बेस्ट प्रोडक्ट होंगे उसको इजेशन प्रोसेस के दौरान बॉडी से रिमूव कर देगा। तो ये थी आज की हमारी टॉपिक, जो कंप्लीट होती है न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड रिप्रोडक्शन इन अमीबा। जो होलोजोइक होती है, सेम एनिमल्स की तरह होती है, बट ऑर्गन्स नहीं होते, ब्लड नहीं होते। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन लेने के बाद आप अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और हमारी टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक मिलती रहेगी, अगली टॉपिक मिलती रहेगी, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।